चमचमाती मोटरसाइकिलें, वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरी 100। दरअसल पंचकुला में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को आपातकालीन सेवा के लिए 100 मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिसके फ्लैग ऑफ सेरेमनी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। आपको बता दें कि इन बाइकों का इस्तेमाल प्रदेश के सभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के काम में लिया जाएगा। आज हमारे CSR से हीरो मोटोकॉप ने 100 बाइक्स फायर सर्विसेज को दी है और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अधिकतम फायर की जो रिपोर्ट्स आती है वो बड़े नैरो पैसेज के जो एरियाज हैं उनमें रिपोर्ट होती है, जहां पर बड़े हमारे फायर इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच पाते। जो हीरो ने सहयोग किया है उससे अब लगभग अर्बनाइज्ड एरियाज में छोटी छोटी गलियों के अंदर भी इमरजेंसी सर्विसेज को बेहतर तरीके से पहुंचाने में फायर डिपार्टमेंट और एफिशिएंसी दिखाने का काम करेगा। और हमने पिछले समय में अधिक ऐसे कदम उठाए हैं जिन्हें फायर सर्विसेज को बेटर इक्विप कैसे किया जाए, जिसमें अब आई पावर में केस गया हुआ है जहां 80 मंजिल तक के भी जो फायर टेंडर्स हैं वो हम परचेज कर रहे हैं कि 80 फ्लोर हाइट पर भी अगर आगजनी होती है तो उसको हम टाइमली टेकअप कर पाए। इस खास अवसर पर डिप्टी सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा, साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन सफल नहीं होगा। कई बैठकों का दौर इनका हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सहमति इन लोगों की बनी। अगर सहमति बनती तो अब तक ये सीट शेयरिंग भी इशू कर देते और आने वाले भविष्य भी मुझे इसको कोई गति मिलती नहीं। लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 6 रैली जेजेपी ने की है और समय आने पर दोनों ही दलों में बैठकर बात भी होगी। हमारी 6 लोकसभा क्षेत्रों की रैलियां हो चुकी है, बचे लोकसभा क्षेत्रों के अंदर भी जल्द रैलियां करेंगे और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता पूरी तौर पर तैयारी में है। हमारा प्राइमरी फोकस विधानसभा का है, मगर विधानसभा का बेस लोकसभा बनेगा और उसके ऊपर सपना। वही पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि मामला ईडी से जुड़ा हुआ है। बहरहाल जिस प्रकार से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को 100 मोटरसाइकिलें मिली हैं, उससे जनसेवा के काम में जरूर सहूलियत होगी। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।